तो ध्यान दो, समझा पूछो क्वेश्चन, यानी भिन्न भिन्न पहले समझो, ठीक ना। ऐ ध्यान रखो, इधर ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि अंश बराबर, ठीक ना, भिन्न का अंश बराबर कथी, लिख दो, भिन्न का अंश बराबर कथी, x तथा हर बराबर कथी, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा भाई, भिन्न का फॉर्मूला होता है ना, अंश बटा हर, तो ये अंश हो गया, कथी हो गया। आ जाओ, अब जो बोला है उसको प्रश्न से ले लेते हैं, प्रश्न से क्या बोला है, भिन्न लिख ले, ये हो गया भिन्न, ये भिन्न हो गया ना। अब क्या बोला है सुनो, पहले बोला है क्वेश्चन कौन से देखना, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, दोनों में दो जोड़ो, समझ में आ रहा है, तो कितना हो जा रहा है भाई, 9/11, समझ में आया कि नहीं, कितना हो गया, 9/11। समझा, बोला है कि भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ते, दो जोड़ने पर कितना हो जाता है, 9/11। पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, आ जाओ भाई, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस बीच में बराबर जब रहता तो क्रॉस गुना होता है, ध्यान रखना, 11x प्लस है तो प्लस 11 गुना, अब इससे इसमें होगा 9y प्लस में 18 हो गया, 9 गुना 18, एक चर चर वाला को एक साइड, अचर वाला को एक साइड, 11x प्लस में इधर आके माइनस में, इधर प्लस में 18 है, प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया, 11x - 9y बराबर कितना देगा, माइनस में 4, समीकरण कितना एक। फिर देखो अब क्या बोला है, पुनः लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोला है, फिर भिन्न लो, क्या बोला भाई समझो, फिर भिन्न ले लेते हम लोग, क्या बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है अब कि यदि हर सॉरी आंसर हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, तीन जोड़ दिया जाए, समझ में आ रहा है, आंसर हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाता भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है, फिर प्लस गुणा कर दो, 6x हो गया, प्लस है तो प्लस 36, आ जाओ भाई, 5y हो जाएगा, प्लस 5y 15, फिर 4x आए तो 6x इधर आके माइनस में 5y 15, एक प्लस में उधर जाके, ठीक ना, ऊपर लिखे, चलो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, 6x है ना भाई, माइनस 5y बराबर कितना, माइनस पंद्रह माइनस 3 माइनस कितना, 3, अलग अलग साइन घटेगा, बड़का उसका साइन दे देते, पता ना, समीकरण कितना, अब तो बन जाना चाहिए, फिर भी हम बना देते, चलो समीकरण कैसे, समीकरण एक कहाँ भाई, 11x - 9y बराबर 4, x क्लियर करोगे, चलो भाई, तो 11x बराबर कितना, -4, माइनस में इधर जाके, तो x बराबर हो गया भाई सब कितना, -4 + 9y / 11, समय क्या में, दो में x का मान रखने पर रखे, समीकरण दो में ना, समीकरण दो यहाँ है, 6x - 5y = -3, ध्यान दो भाई, 6x - 5y की जगह पर कितना रखेंगे भाई, सॉरी, ना तो कितना भाई, -4 + 9y = -5y = कितना, -3, चलो भाई गुना करो तो 6×6 प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया 24, ठीक ना, चलो प्लस रख दो, 9×6 = 54y माइनस में 5y बराबर कितना, माइनस में 3 बटा में है ना, दोनों के बटा में कितना आएगा, लिख दिए, चलो भाई 900 तो बटा में एक है, जैसे हम लोग 11 आ जाएगा, इसे कर जाएगा तो माइनस में 24 है ना, प्लस है तो प्लस 54y माइनस है तो माइनस, भाग 11 × 11 = 25 55 बराबर कितना, माइनस 3, चलो ध्यान रखो भाई, -24 = 24 5×55 तो माइनस में 50 हो जाएगा वाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये माइनस में प्लस काम घटा गया ना, 55y में से 5y घटा हुआ तो माइनस में 50 हो रहा है, माइनस क्यों आया क्योंकि बढ़ता है, ठीक है, आ जाओ भाई बराबर माइनस बटा में, सॉरी यहाँ तो 11 ही है, बटा में यहाँ 1 है, ठीक ना, क्रॉस गुना करे, चलो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 से 10 के 24 50y
बराबर ग्यारह तिहाई माइनस में हो गया की बोर्ड पर बना रहे ठीक है ना। चलो ध्यान रखो भाई माइनस में पचास वाई बराबर माइनस तैतीस माइनस इधर आके कितना चौबीस चौबीस ठीक है ना। माइनस में पचास वाई ठीक ना बड़ा बड़े लिखे एक वाई के वाई है माइनस में आई प्लस में तो काम घटा क्यों जला ही ना तेरह में से चल गया कितना सॉरी तीन में से चल गया तेरह में से चल गया था नौ बचिया दो में से दू गया खत्म है कि ना। अरे ऐसे भी देख सकते तैतीस में से कितना चौबीस घटाओगे तो कितना आएगा नौ आएगा ना आज जो बड़का है उसका साइन बड़का है उसका साइन ठीक ना। इधर कहा था पचास था पची में था पची में चला गया है ना माइनस में इसे गिले वाई बराबर कितना नौ बट्टा वाई का वैल्यू इतने आ रहा है नहीं लंबा ज्यादा नहीं है वाई का वैल्यू इतना गलती हो रहा है गौर से देखो एक बार इसको गौर से ध्यान दो यहाँ पे इसमें गलती क्या है सबको मिला देखो यहाँ पे समझिए छह चौक चौबीस ठीक है छह नवाई चौवन ठीक है ये जस के तस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चौबीस जस के तस प्लस जस के तस है ना ग्यारह एक ऐसे में ग्यारह हो गया ना ये ग्यारह से ग्यारह जस के तस उतरेगा ना फिर चौवन के जगह पे यहाँ पे कथी आ गया रे कैसे आ गया चौवन होना चाहिए था चौवन वाई होना चाहिए था ठीक है गलती हो गया था ध्यान रखो चौवन वाई हो गया ठीक है इसको मिटा यहाँ से गलती हो गई ध्यान रखो तो माइनस चौबीस के चौबीस चौवन को प्लस आई कथी माइनस तो चौवन में से पच पड़ गया पचपन में से चौवन कितना एक वाई बचेगा दोनों में कौन बड़का है ये ना इसका साइन ठीक है बटा ग्यारह बड़ा कितना माइनस तीन नौ छह बटा में एक है चाहे भीम की जरूरत तो कल ही थे ना चलो ना कुछ तो बटा में और प्लस गुना करो कितना होगा माइनस चौबीस के चौबीस माइनस वाई के वाई ग्यारह के आई ठीक है ना आ जाओ इधर इस समय टाइम गलती था ठीक है चलो भाई ध्यान दो तो कभी माइनस वाई बराबर कितना माइनस तैतीस और माइनस चौबीस उधर माइनस इधर जाकर कितना हो गया माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई घटाइए तो नौ आएगा देखो ना तैतीस में से चौबीस घटाओगे तो कितना आएगा नौ ये बार का इसका साइन होगा माइनस से माइनस ले लो इसलिए वाई बराबर कितना हो गया समझ में आया कुछ हो आए समीकरण क्या में एक में वाई का मान रखने और ठीक है ना समीकरण एक कहा भाई समीकरण एक ही है ग्यारह एक्स माइनस नौ वाई बराबर कितना माइनस चार अभी तक माइंड में नहीं बैठा है समीकरण न बुझाई से बोल रहा है चलो भाई ग्यारह एक्स माइनस नौ गुणे वाई का वैल्यू कितना बराबर माइनस चार चलो भाई ग्यारह एक्स नवासी होगा ना बराबर कितना माइनस चार है ना ग्यारह एक्स बराबर कितना माइनस में चार प्लस में हो जाएगा इधर हो गया ना रे चलो जोड़ो तो घटाओ घटाओगे ना इक्यासी में से चार कितना हो जाते ग्यारह में से चार सात सतहत्तर होगा माइनस प्लस प्लस होगा ठीक ना चूंकि बड़का ही है ना पता है ना अभी तक जरा ये सब नहीं समझ में आ रहा है जय हो कि प्लस में माइनस में अलग अलग साइन पे काम करते बेसिक के क्लास में सिखा दिए थे तो इक्यासी प्लस में माइनस में घटाव करेंगे तो देखो एक में से चार नहीं जाते ग्यारह में से चार जाता है ग्यारह ग्यारह में से चार सात बचले सात सात के सात ये बार का था इसलिए इसका साइन प्लस है प्लस में प्लस पहले शो करने की जरूरत होता नहीं गति में भाई गुना में ना गति में चल जाएगा ग्यारह सत्य समझ में आ रहा है इसलिए एक सवाल कितना अतः भीम पूछा था ना अरे बुआ कभी पूछा था भीम तो भीम एक समान था वाई ना तो एक सवाल कितना सात वाई क्या अलग आंसर और ऐसा क्वेश्चन हर एक से साइड में मिलेगा और ऐसा क्वेश्चन पांच नंबर के पूछता है अच्छा भैया अगर दोनों देगा जो क्वेश्चन है ना ऐसा ही क्वेश्चन देगा भाषा में थोड़ा प्लस माने जैसे इसमें क्या कहा था कि जोड़ देने पर कभी कहेगा घटा देने पर कभी कहेगा अंश में जोड़ देने पर हर में घटा देने पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बस इतना ही चलो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर कितना
हाँ तीन का छ, ध्यान दो भाई ध्यान दो, तीन का छ, तीन का छ। पढ़ो क्वेश्चन सब। कौन जैकब है? हाँ। अच्छा, पुत्र पिता के आयु आयु निकालेंगे। चलो भाई ध्यान रखो, कथी कह रहा है जैकब ना? हाँ। पांच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तीन गुनी हो जाएगी। पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी। हमने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में, और अगले एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे वर्तमान आयु। ठीक है, माना कि जैकब ना, माना कि जैकब का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आयु बराबर एक्स वर्ष, कितना एक वर्ष, तथा इसके पुत्र का, इसके पुत्र क्या जैकब के पुत्र का, जैसे लिखना है लिख दे जैकब के पुत्र का ना, पुत्र का वर्तमान वाई ठीक है, हटा लेना तुझे, ठीक है वाई ऐसे लिख रहे हैं, ये मार्कर से लिखने दो और जाएगा वाई। ठीक है, चलो अब मार नहीं ज्यादा, बहुत मार खा गए पहले बता रहे हैं प्रश्न से। क्या कह रहा है समझिए, वर्तमान में ये कौन है भाई, ये है जैकब और ये है उसका पुत्र, है ना। क्या कह रहा है, पांच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से कितना हो जाएगा, तीन गुनी। पांच वर्ष बाद, तो बाद मतलब जोड़ के घटाओ, तो पांच वर्ष बाद बोला है तो दोनों में पांच वर्ष जोड़ेंगे, याद है ऐसा क्वेश्चन। पांच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु कितना गुनी हो जाएगा, तीन गुनी, तो तीन से गुना कर दिए इसके पुत्र में। चलो ध्यान रखो, तो एक्स प्लस कितना पांच, गुना करेंगे तीन वाई प्लस कितना पंद्रह, एक्स वाई वाला एक तरफ, बाकी जो बचता है दूसरे तरफ, प्लस में तो इधर एक्स माइनस तीन वाई बराबर कितना हो गया, समीकरण समझ में आया कुछ, पुनः क्या कह रहा है देखो। अब कह रहा है कथी, पांच वर्ष पूर्व ये है जैकब बा, सॉरी जैकब और ये है उसका पुत्र, पांच वर्ष पूर्व, तब पूर्व मतलब पहले, तो पांच वर्ष घटाओ भाई, घटा दी। क्या कह रहा है, पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी। पांच वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितना थी, सात गुनी, तो एक्स माइनस पांच बरबर सात वाई हो जाएगा, माइनस सात पचे तो एक्स माइनस इधर चला गया भाई, सात वाई बराबर कितना माइनस पैतीस, प्लस में इधर हो जाएगा तो एक्स माइनस सात वाई बरबर हो जाएगा कितना, कितना जगह घटाओ माइनस में तीस, समीकरण ठीक है। चलो ध्यान रखो, समीकरण कैसे, समीकरण एक तथा एक से ना, एक से समीकरण एक से लीजिएगा तो कितना लीजिएगा भाई, एक्स माइनस दस, ठीक है ना, एक्स बराबर कितना था दस प्लस में हो गया ना, समझा रहे, समीकरण क्या में दो में एक्स का मान रखने पर, ठीक ना, समीकरण दो का भाई एक्स माइनस सेवन वाई बराबर माइनस, चलो इसका वैल्यू रखना एक्स का ना, दस प्लस कितना है तीन वाई है, माइनस सात वाई बराबर माइनस तीस, है ना। चलो भाई दस सात माइनस में प्लस में तो अलग अलग काम घटा के होगा, बड़का ही है तो इसी से घटाएंगे, सात गुण से तीन गुणते हैं चार को, क्योंकि बड़का ही है तो इसका साइन दे जाएगा, माइनस माइनस चार वाई बराबर माइनस तीस, है ना भाई, अभी प्लस में इधर जाके माइनस तो माइनस चार वाई बराबर कितना माइनस में चालीस, वाई बराबर कितना माइनस चालीस बटा में गुना में चलेगा माइनस चार हो गया, इसी कटा चार दहाई चालीस, वाई बराबर कितना हो गया भाई दस, समझा कि नहीं, इधर लिख दे इधर लिख दे इधर लिख दे, ठीक है आ जाओ, समीकरण क्या में, एक में समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, समीकरण एक कहा भाई
एक्स माइनस थ्री वाई बराबर कितना 10 है ना भाई। चलो y क्या रखना है ना, 3 गुणे 17 तो मतलब गुणे में ना कितना निकले 10 बराबर कितना 10। तो x माइनस 3 दहाई बराबर कितना 10, इस बार कितना होगा 10 माइनस 3 जाके प्लस में हम तो एक बार कितना हो गया 40। समझ में आ लो जैकबा क्या है कितना है 40 40 हाँ अगर बेटवा के देखो इसलिए चाहे अतः तो अतः जैकब का वर्तमान आयु क्या था ना 40 कितना होगा 40 वर्ष 40 वर्ष तथा देख लो उसके पुत्र का है ना जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु आयु 10 वर्ष कितना होगा भाई 10 वर्ष हो गया। चलो और इसी के साथ आज रहेगा ठीक है।